सो फ्रेंड्स, अभी हमने आइसक्रीम खा ली है और थोड़े से मैंने दाल चावल भी खा लिए हैं। अभी जा रही हूँ मैं अपने रूम में और रूम की हालत देखते हैं क्या हो रही है। सबसे पहले तो ये है हमारे छत की सीढ़ियाँ, जिसमें आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूल है। सालू मम्मी के लिए बना रही है चाय और ये देखो इतना गंदा है, हर एक सीढ़ी पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। उफो, ये हैं हमारे पति देव जी। मैं आपको छत दिखाती हूँ ना, ये देखो ये था किचन का दरवाज़ा जिसमें दीमक लग गई थी, तो ये भैया ने निकलवा दी है। तो ये है पूरा का पूरा छत, आप देखो। और वॉशरूम है ये, टॉयलेट, और ये है टैंक जो कि बंदरों ने पूरा तोड़ दिया है, पानी अब नहीं है। ये ऊपर है छत, मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है ये मेरा है, नीचे बड़ी भाभी का है, मतलब मेरी जेठानी जी। तो नीचे तो ठीक था बाबू, ऊपर तो बहुत ही गंदा हो रखा है। सो फ्रेंड्स, आप देखोगे ऊपर तो बहुत ही गंदा है। ये भाभी के सोफे हैं और ये मेरा मेज है, ये मेरी वॉशिंग मशीन है, भाभी के हैं हाँ, और ये वॉशिंग मशीन है। ये हमारा न्यू न्यू फ्रिज है जो कि ऐसी रखा है, जो कि ऐसी रखा है, अभी तक इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। और ये अब देखो इधर से ख़राब भी हो गया होगा ना, 3 साल से ऐसे ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैंने हाल। मैंने अपने ससुराल को बोला था कुछ नहीं देना है, लेकिन फिर भी दे दिया उनको। मैंने बताया था, मैंने कि मेरे को नहीं ले जाना है कुछ भी। तो कोई नहीं है, पूरा दहेज का सामान किसी को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको मेरा घर देख के? अच्छा फील नहीं हो रहा है ना? मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, अजीब सा लग रहा है कि अब अपना मतलब शादी का सामान किसी को देने की नौबत आ गई है, देने की नौबत। देखते हैं कोई लेता है, पर अभी कोरोना टाइम में कहाँ सेल करें, नहीं कर सकते। और अंदर ठीक ठाक है सब? तो अभी आई एम सो एक्साइटेड, बहुत गर्मी हो रही है। अश्विन जी का हम देखेंगे शेरवानी और मेरा लहंगा। उसके लिए पहले ना अलमारी खोलनी पड़ेगी, जिसकी चाबियां हमारे पास हैं बहुत सारी, अब पता नहीं कौन सी लगेगी उसमें। इस बार मैं चाबियां लेके आई हूँ सारी, जितनी भी मेरे घर में चाबियां थे ना मैं सारी ले आई हूँ। और लाइट अभी चली गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, तो बाहर आपको और छत पे भी घुमा देते हैं ना बाबू, और छत पे भी चलते हैं ना। चलो, मैं नई नई वेली दुल्हन का कमरा देखने ज़रूर आऊँगी। सो शालू आ चुकी है, खाते खाते देख ले नई नवेली दुल्हन का कमरा। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त अच्छा लग रहा है। शालू मेरा नया फ्रिज देख, अभी रहने दे, थोड़ा सा भपका बाहर आने दे, आ जा इधर, छत घुमा लाते तेरे को। गर्मी हो रही ना कितनी अंदर से। तो मौसा जी बोल रहे हैं बंदर हैं, तो बंदर होंगे और क्या होंगे, यहाँ पे मैंने देखे हैं भाई। ऊपर नहीं है ना, इधर उधर देख ले पहले। आप बनाओ, मत यही कूदने का मन कर रहा चलो, है मेरा। सो फ्रेंड्स, ये हवा चल रही है, मजा आ रहा है, हवा अच्छी चल रही है ना। सो ये वाओ वाओ, हवा तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है हवा ना। वाह, मेरे सो गरीब गरीब जैसे क्यों है सर, कहाँ के मोहल्ला ही गरीब है ना, बहुत चीज लगो मिली है, कभी तो इधर आने का नहीं होता है। क्या वीडियो बन रही है, हम बात कर रहे हैं। ये क्या कह रही है मौसा जी, यहाँ पे सबके घर गरीब गरीब रह गया यार, हम भी गरीब है। नहीं यार, इतने भी नहीं है। चलो लाइट लाइट आ गई है तो चलते हैं नीचे। गांव वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, तो मेरे गांव वाली बिल्कुल सेम ऐसे ही छतें हैं, बट ये गांव नहीं है, ये शहर है।
ये गांव हमारी बुआ हंसरी है उधर से। बुआ तो ये गांव नहीं है, ये शहर है। ये शहर है, आप देखो शहर से मीन्स मतलब लोग। पर मेरा गांव भी स्टैंडर्ड है यार, क्या है ना अब ऐसे घर तो आपको बड़ी सिटी में ही देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि जहाँ पे मैं बड़ी सिटी में दिखाऊं, देखो वहाँ पे भी थोड़े घर ऐसे हैं। और मैं कुछ नहीं कह सकती इस चीज के बारे में, क्योंकि गरीबी से जो लोग गुजरते हैं ना, वो गरीबी के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते। सो जो है जैसा है अच्छा है, एटलीस्ट घर तो है ना, चाहे जैसा भी हो। मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, और बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर बता, सड़कों पे रहने से अच्छा तो ये ईंटों के घर ही बहुत अच्छे होते हैं। सो बच्ची है, कुछ भी बोलती है। उसके बाद था पीछे, आप क्या एक्सक्यूज दे रहे हो उसको? हम वो बातें कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता इसे। आ जाओ, चलो आओ नीचे, आओ चलो नीचे चलते हैं, आओ जल्दी। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे रूम में जाने की तैयारी। मैनू लहंगा ले दे, लहंगा जा मर जानिया। मम्मी लाइट आ गई? अच्छा आ गई, अच्छा मम्मी ने तो फोन भी कर दिया। बाबू आप चलो अंदर, कपड़े धोने पड़ते हैं। सॉरी मेरी मेरी मशीन की देखो आप क्या हालत हो रखी है यहाँ पे ना, कितना अच्छी है ना। और ये देखो अंदर देखो, बिल्कुल चमकदार, चमका चमके। मैंने इसमें एक से दो बार कपड़े धोए हैं शायद, आई थिंक याद है मुझे ना। तो कितनी अच्छी है ना। हाँ हायर की है ये, और ये सोफे भी आपके हैं ना। ये अंदर है बेटा मेरे सोफे, आ जाए अंदर। लाइट नहीं है अंदर। वाओ यार अच्छा लग रहा है घूमना। आपके आने से किवाड़ी नहीं खुल रहा है। घर में कितनी रौनक है, वाओ आई एम सो हैप्पी। मैं अपने घर में आ गई हूँ गाइस, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा घर है। पागल लोग ऐसे होते हैं, मैंने बताया था ना, ऐसी तो ये ना मुझे पागल बोल रहे हैं गाइस। आंखों में देखो कितनी खुशी है गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुशी नहीं है ये आंखों में, चमक है चमक, इस बात की खुशी है। इसमें गाइस आप ये सोच रहे होंगे ना इतना गंदा है ये, मैं आपको ना असलियत दिखाती हूँ इसकी ना। ये देखो आप, असलियत ये है, मतलब ऊपर से सब ढका हुआ है। जाने दो उधर जरा, मैं देख लूं एक बार। हाँ जी हाँ जी, आप चले जाइए। इसकी भी असलियत यही है, अभी हटाऊंगी तो आपको दिखेगा कि ये क्या है। देखो वाह कितने। तो गाइस यही है, ये भी सेम यही है, और अभी ये अलमीरा खुलेगी ऊपर। बाबू वो है क्या, ये एल्बम है क्या? गाइस यहाँ पे मैं चाबियां तो लेके आई हूँ, पता नहीं कौन सी चाबी है मेरे उसकी ना। चाबियां आप लग रहे हो पूरी नहीं लाए होगी। बाबू सारी चाबियां ले आई थी, मतलब नहीं बनता। उसमें है क्या फिर? किसमें? मेरे पर्स में और होंगी चाबी उसमें। पर्स पर्स में आप पहले इन्हें तो चेक करके देखो। देखो ये वाली चाबी लगाई, ये वाली चाबी लगाई, ये वाली भी लगाई, ये वाली भी लगाई। फाइनली मेरे लहंगे की अलमीरा खुल चुकी है। आपको मैं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी भी नहीं खुलेगी। बोल रहे आप ना वहीं छोड़ के आ गए हो, आप ना वहीं छोड़ के आ गए हो। मैं इनको बोल रही हूँ यहीं देख लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नीचे देख, नीचे देखेंगे, यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही, आराम से देखेंगे महाराज जी। बाबू मेरे इस वाली अलमीरा में क्या क्या है, इसमें नीचे दिखाना, उसमें क्या क्या रखा है दिखाओ। इसमें हाँ बाहर निकल के दिखाऊं या ऐसी समझ जाओ? नहीं दिखाओ क्या क्या है, उसमें भी तो सामान है। ये मेरी घड़ी का कवर। ओ अच्छा जी, ये क्या है? वाव ये चूड़ी। और क्या है? ये भी। ओ मेरा चूड़ा, अश्मत जी मेरे लिए दो चूड़े लेके आए थे। और ये मेरा मेकअप बॉक्स सगाई वाला है,
शादी वाला। तो ये है काजल, काजल बचा है इसमें भी, मेरे कुछ पैसे तो बचे। और ये देखो शैम्पू, थीनर, नेल पेंट, ये गुलाब जल है, ये सर का तेल है। अच्छा, और ये कंगन है कुछ, कंगन कंगन बहू, ये तो एक्सपायर हो गया होगा ना, रख दो अभी आप, दो अभी आप मेरे उसमें रख दो, खाली मत करो अलमीरा को ना। हाँ तो वहीं रख रहा हूँ, ऐसे ही रख दो है ना। अब देखेंगे हम अपना लहंगा, निकालो मेरे लहंगे का बॉक्स। और बाबू यहाँ पे जो गिफ्ट्स रखे हैं उनका क्या करेंगे? जरूरत तो इस सामान की भी नहीं थी। कौन से की? ये जो रखा है यहाँ, दहेज है ये। दहेज तो ऐसे, दहेज का क्या फायदा, दहेज की तरह धरा रह जाए तो देना नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं देना था, पैसे देने थे हैं? कुछ तो काम आ जाते हैं। अच्छा जी, देख रहे हो, गिरे पैसे, दहेज मत दो, पैसे दे दो, देख रहे हो। हाँ वैसे भी पैसे ज्यादा सही थे, काम तो आते कुछ। ये देखो नेल पेंट की महारानी। घर का ताला कूचा, ये है मेरा गंगा साड़ी, ये हमने वहां से लिया है, देखो हरिद्वार से। ये है हमारे साहब जी का कोट जो कि रिसेप्शन में पहना गया था। वाओ गाइस, बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। ये ना अभी लाइट का वो आ रहा है तो सारी चीज़ें आपको रेड दिखाई दे रही हैं, बट रेड नहीं है, मेहरून है। ये पर्दे भी आपको रेड दिखाई दे रहे हैं बट ये हल्के हल्के से मेहरून है। झाड़ू लेके घूम रहे, कितना अच्छा है मेरा लहंगा। ये क्या बोल रही लड़की, क्या है इनके जूते होंगे, कुछ नहीं जूते नहीं है सर, कुछ है देखो निकाल के। क्या अच्छा है बेटा, आपका तो एक डॉग भी था। खोलो, क्या खोलो, बस यहाँ पे वो बढ़ाने आ रखे हो, बस टाइम ना अपना। काम 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 करने आई हूँ मैं। इसमें तो नहीं है, ये है मेरी। अरे इसमें तो नहीं है अटैची, तो आप अटैची के अंदर, इधर तो नहीं है तो ये चेक करते हैं। इस वाले में देखो एक बार ना, सल रख दे इसको, हाँ बेटे मुझे यही गद्दे पसंद है। आप ही गए थे क्या देखने? नहीं नहीं, वो गए थे ना चाचा जी भैया, कहाँ गई है वो, नहीं दिख रही ना यहाँ पे तो। देख लो अभी तक आपने अपने गिफ्ट्स भी नहीं खोले, तो कितने सारे बचे हैं देख रहे, शादी के कार्ड हैं ये इतने सारे अभी, और उधर भी हैं। उधर भी गिफ्ट है देखो सारे, तो कहाँ गई वो मुझे क्या पता। ये एक साड़ी मेरी, ये भी है साड़ी है, और ये मेरी साड़ी है, कब को पहनो, ये तो सामान है बहुत सारा। बाबू एक मिनट में देखती हूँ यार। अरे नहीं है, देख लिया भाई मैंने, मुझे तो देखने में मजा आता है। वाओ ये क्या क्या है, ये शौल मेरी शॉल है, ये मेरा सूट है, और ये शेरवानी है, ये सूट है। निकाल दो ना फिर रख देना दोबारा से, अश्मित जी को तो प्रॉब्लम हो रही है निकालने में। ये फ्रॉक सूट कहाँ पहना था आपने? बेटा मैंने अभी पहना ही नहीं है, ये आप देख रहे हो, अब क्या है कि टॉवल यहीं रहने दो, कभी हैं तो आएंगे हम। ये देख रहे हो आप मेरा सूट है, ये मैंने अपने रिसेप्शन के लिए बनवाया था बट एक बार भी नहीं पहना। ये 5,500 का सूट है मेरा, ये मैंने लिया था ज्वालापुर से, मतलब ये अश्मित जी ने ही दिलाया था मुझे। देखो अच्छा लग रहा है ना, हाँ कैसा है,
हाँ ये पुरानी हो गई है मतलब ना, सही है सही है, सही मतलब हो गई, सही है, पैड वाला है सालू ये, अच्छा ले चले इसको। पर ये आएगा बाबू किस किस में आएगा, तो टाइट रहेगा आप पे शायद, हाँ खुल, पर उसमें स्पेस नहीं पड़ेगी। ये टॉवल निकाल लिया है अभी नहाने के काम आएगा, और ये निकाल ली है मैंने साड़ी अपनी शादी की, शादी की मतलब ये मेरी चाची जी ने मुझे गिफ्ट करी थी शादी में, तो मैंने ये निकाल ली है। रेड कलर मेरे पास है भी नहीं इस तरीके का ना। लहंगे के बारे में कुछ कहना चाहती है सालू? गाइस हेलो फ्रेंड, ये लहंगा इतना भारी है ना, जीतने की तो शायद मैं भी नहीं होगी। क्या 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 कृपया करके ये संदेश उस तक पहुंचा दे जो मुझसे शादी करना चाहता है। ओहो मतलब वो मुझे खुले लफ्जों में ये बता दे कौन करना चाहता है। अन्नाई अन्नाई करनी तो जींस टॉप में है। ये देखो ये है मेरी साड़ी जो कि आपको मैरून लग रही थी, पर ये रेड कलर है। फ्रेंड्स अभी मेरे मम्मी आपके बेटे ने दिलवाया ही लहंगा मुझे। टेंटन ये मेरा लहंगा, दिस इज द चुन्नी, यस फर्स्ट चुन्नी, ये है सेकंड चुन्नी, और लहंगा, और लहंगा आपको बाद में देखने को मिलेगा अभी नहीं, ये है थर्ड चुन्नी, और ये है हमारा गठबंधन। देखना कैसा कितना वो है यार, कितना भारी, देखो हां भारी, मुझे मारो भारी, दुपट्टा ही इतना है। मम्मी पहन पाएगी इतना भारी नहीं। अच्छा ये बता मैंने पहना था तो मैं कैसी लग रही थी? तो डॉल लग रही थी ना बेटे, डंबल है ये 50 किलो का। और ये लहंगा देखो ऐसे ही खड़ा रह गया, पर मैं लहंगा नहीं दिखाना, लहंगा का वीडियो बाद में आएगा। शालू बहुत मूड में लग रही है क्योंकि आज शालू ने मेरा लहंगा पहना है। तो फ्रेंड्स लहंगे का वीडियो आपके लिए मूड में शादी करने के लहंगे का वीडियो आपके लिए जल्दी ही आएगा। और शालू ने आज डिसाइड किया है कि वो शादी नहीं करेगी, वो जींस और टॉप पहन के शादी करेगी। मेरा लहंगा उसको इतना भारी लगा, कितना भारी लगा एक्सप्लेन करोगे? लुक लाइक अ डंबल। अच्छा 50 किलो वाला तो इतना हैवी लगा ना उसको। मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ फ्रॉक्स वगैरह, गाउन वगैरह, लहंगे वगैरह। हर शादी जींस में पहनती हूँ। हाँ जींस वगैरह मौसी की शादी में पहना था मैंने, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मतलब हल्का। सो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत टाइम बाद मेरा लहंगा देखने को मिला। कैसा था विशुका सालू लहंगा? वैसे अच्छा था ना लहंगा देख के, बता इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या ही बोलूं। बस एक चीज़ अभी वहाँ पे नहीं मिली है, मेरा सगाई का एल्बम पता नहीं आई डोंट नो कहाँ पे रख दिया, तो वो नहीं मिला है। और आप देखो हालत क्या हो गई है, खाना वगैरह सब खा लिया है, बना भी लिया है, आपको दिखाया होगा मिक्स वेज बनाया था और उसमें मैं पनीर डालना भूल गई क्योंकि पॉलीथीन में सामान आ रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रखा जा रहा है। तो बस आइसक्रीम खाई थी और खूब मज़ा किया आज हमने। विशु कुछ नहीं खा रहे हैं खाने में ना आज, बस यही है। तो अभी बज चुके हैं रात के 11:30, अब हम सोने वाले हैं। और आप मुझे देख सकते हो थकान आपको मेरी आंखों में, आंखों में नजर आ रही होगी, आंखों में नजर आ रही होगी और कहाँ पे यहाँ पे भी नजर तो आ रही होगी, यहाँ पे भी देखो नजर आ रही होगी। हाँ और पिंपल्स भी हो गए हैं बहुत सारे सारे ना, चलो कोई बात नहीं होते हैं, उनके डिम्पल पे भी पिंपल हो गया डिम्पल पे भी पिंपल हो गया। और बस यही था आज का व्लॉग।
सो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। देखो 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 विश भी आ गया। नट्टी कैसे कैसे गुड नाइट कैसे विश नट्टी।